नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लेकर आए हैं। आज की प्रसिद्ध कहानी का नाम है पक्षी और दीमक। यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक गजानंद माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखी गई है। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बाहर चिलचिलाती हुई दोपहर है, लेकिन इस कमरे में ठंडा मध्यम उजाला है। यह उजाला इस बंद खिड़की की दरारों से आता है। यह एक चौड़ी मुंडेर वाली बड़ी खिड़की है, जिसके बाहर की तरफ दीवार से लगकर कांटेदार बेंत की हरी घनी झाड़ियां हैं। इनके ऊपर एक जंगली बेल चढ़कर फैल गई है और उसने आसमानी रंग के गिलास जैसी अपने फूल प्रदर्शित कर रहे हैं। दूर से देखने वाले को लगेगा कि वे उस बेल के फूल नहीं वरन बेंत की झाड़ियों के अपने फूल हैं। किंतु इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि उस लता ने अपनी घुमावदार चाल से न केवल बेंत की डालों को क्योंकि उनके कांटों से बचते हुए जकड़ रखा है, वरन उसके कंटक रोमों वाले पत्तों के एक एक हरे फीते को समेट कर कस कर उनकी एक रस्सी से बना डाली है और उस पूरी झाड़ी पर अपने फूल बिखराते छिड़काते हुए उन सौंदर्य प्रतीकों को सूरज और चांद के सामने कर दिया है। लेकिन इस खिड़की को मुझे अक्सर बंद रखना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के इस इलाके में मौसम बेमौसम आधी नुमा हवाएं चलती हैं। उन्होंने मेरी खिड़की के बंद पल्लों को ढीला कर डाला है। खिड़की बंद रखने का एक कारण यह भी है कि बाहर दीवारों से लगकर खड़ी हुई हरी घनी झाड़ियों के भीतर जो छिपे हुए गहरे हरे सांवले अंतराल हैं, उनमें पक्षी रहते हैं और अंडे देते हैं। वहाँ से कभी कभी उनकी आवाज़ें रात बिरात एकाएक सुनाई देती हैं। वे तीव्र भय की रोमांचक चित्कारें हैं, क्योंकि वहाँ अपने शिकार की खोज में एक भुजंग आता रहता है। वह शायद उन तरफ की तमाम झाड़ियों के भीतर रेंगता फिरता है। एक रात इसी खिड़की में से एक भुजंग मेरे कमरे में भी आया। वह लगभग 3 फीट लंबा अजगर था। खूब खा पी करके सुस्त होकर वह खिड़की के पास मेरी साइकिल पर लेटा हुआ था। उसका मुंह कैरियर पर जिस्म की लपेट में छिपा हुआ था और पूंछ चमकदार हैंडल से लिपटी हुई थी। कैरियर से लेकर हैंडल तक की सारी लंबाई को उसने अपने देह वलियों से कस लिया था। उसकी वह काली लंबी चिकनी देह आतंक उत्पन्न करती थी। हमने बड़ी मुश्किल से उसके मुँह को शिनाख्त किया और फिर एकाएक फिनाइल के उस पर हमला करके उसे बेहोश कर डाला। रोमांचपूर्ण थे हमारे वो व्याकुल आक्रमण। गहरे भय की सनसनी में अपनी कायरता का बोध करते हुए हम लोग निर्दयतापूर्वक उसकी छटपटाती देह को लाठियों से मारे जा रहे थे। उसे मरा हुआ जान हम उसका अग्नि संस्कार करने गए। मिट्टी के तेल की पीली गिरवी ऊँची लपक उठाते हुए कंठों की आग में पड़ा हुआ वह ढीला नाक शरीर अपनी बची कुची चेतना समेट कर इतनी जोर से ऊपर उछला कि घेरा डालकर खड़े हुए हम लोग हैरत में आ गए, एक कदम पीछे हट गए। उसके बाद रात भर सांप की ही चर्चा होती रही। इसी खिड़की से लगभग 6 गज दूर बेत की झाड़ियों के उस पार एक तालाब है, बड़ी भारी तालाब। आसमान का लंबा चौड़ा आईना जो थरथराते हुए मुस्कुराता है और उसकी थरथराहट पर किरणें नाचती रहती हैं। मेरे कमरे में जो प्रकाश आता है वह इन लहरों पर नाचती हुई किरणों का उछल कर आया हुआ प्रकाश है। खिड़की की लंबी दरारों में से गुजर कर वह प्रकाश सामने की दीवार पर चौड़ी मुंडेर के नीचे सुंदर झलमलाती हुई आकृतियों बनाता है। मेरी दृष्टि उस प्रकाश कंप की ओर लगी हुई है। एक क्षण में उसकी अनगिनत लहरें नाचे जा रही हैं। कितना उत्तम, कितना तीव्र वेग है उन झिलमिलाती लहरों में। मैं मुग्ध हूँ। बाहर के लहराते तालाब ने किनारों की सहायता से अपने कंपों की प्रतिच्छवि मेरी दीवार पर आंक दी है। काश ऐसी भी कोई मशीन होती जो दूसरों के हृदय कंपों को, उनकी मानसिकता हलचलों को मेरे मन के पर्दे पर चित्र रूप उपस्थित कर सकती।
उदाहरणतः मेरे सामने इसी पलंग पर वह जो नारी मूर्ति बैठी है, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। वैसे उसके बारे में जितनी गहरी जानकारी मुझे है, शायद और किसी को नहीं। इस धुंधले अंधेरे कमरे में वह मुझे सुंदर दिखाई दे रही है। दीवार पर गिरे हुए प्रत्यावर्तित प्रकाश का पुनः प्रत्यावर्तित प्रकाश, नीली चूड़ियों वाले हाथों में थमे हुए उपन्यास के पन्नों पर, ध्यानमग्न कपोलों पर और आसमानी आंचल पर फैला हुआ है। यद्यपि इस समय हम दोनों अलग अलग दुनिया में, वह उपन्यास के जगत में और मैं अपने ख्यालों के रास्तों पर घूम रहे हैं, फिर भी इस अकेले धुंधले कमरे में गहन साहचर्य के संबंध सूत्र तड़प रहे हैं और महसूस किया जा रहा है। इसके बावजूद यही कहना ही होगा कि मुझे इसमें रोमांस नहीं दिखता। मेरे सिर का दाहिना हिस्सा सफ़ेद हो चुका है। अब तो मैं केवल आश्रय का अभिलाषी हूँ, उस मापूर्ण आश्रय का। फिर भी मुझे शंका है। यौवन के मोह सपन, उद्दम आत्मविश्वास अब मुझ में नहीं हो सकता। एक वयस्क पुरुष का, अविवाहिता वयस्क का स्त्री में प्रेम भी अजीब होता है। उसमें उद्बुद्ध इच्छा के आग्रह के साथ साथ जो अनुभवपूर्ण ज्ञान का प्रकाश होता है, वह पल पल पर शंका और संदेह को उत्पन्न करता है। श्यामला के बारे में मुझे शंका रहती है। वह ठोस बातों की बारीकियों का बड़ा आदर करती है। वह व्यवहार की कसौटी पर मनुष्य को परखती है। वह मुझे अखरता है। उसमें मुझे एक ठंडा पथरीलापन मालूम होता है। गीले सपनीले रंगों का श्यामला में सचमुच अभाव है। ठंडा पथरीलापन उचित है या अनुचित है यह मैं नहीं जानता, किंतु जब औचित्य के सारे प्रमाण, उसका सारा वस्तु सत्य पॉलिशदार टीन सा चमचमा उठता है, तो मुझे लगता है कि बुरे फंसे इन फालतू की अच्छाइयों में दूसरी तरफ मुझे अपने भीतर की कोई गहरी कमी महसूस होती है और खटकने लगती है। ऐसी स्थिति में मैं हाँ और ना के बीच में रहकर खामोश जी हाँ की सूरत पैदा कर देता हूँ। डरता सिर्फ इस बात से हूँ कि कहीं यहाँ जी हाँ जी हजूर न बन जाए। मैं अतिशय शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, अपनी शांति भंग न हो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। न झगड़ा करना चाहता हूँ और न किसी झगड़े में पड़ना चाहता हूँ या फंसना चाहता हूँ। उपन्यास फेंक कर श्यामला ने दोनों हाथ ऊँचे करके जरा सी अंगड़ाई ली। मैं उसकी रूप मुद्रा पर फिर से मुग्ध होना ही चाहता था कि उसने एक बेतुका प्रस्ताव सामने रख दिया। कहने लगी, चलो बाहर घूमने चले। मेरी आंखों के सामने बाहर की चिलचिलाती सफ़ेदी और भयानक गर्मी चमक उठी। खस के पर्दों के पीछे, छत के पंखों के नीचे अलसाते लोग याद आए। भद्रता की कल्पना और सुविधा के भाव मुझे मना करने लगे। श्यामला के छक्कीपन का एक प्रमाण और मिला। उसने मुझे एक क्षण आँखों से तौला और फैसले के ढंग से कहा, खैर मैं तो जाती हूँ, देख कर चली आऊँगी, बता दूँगी। लेकिन चंद मिनटों बाद मैंने जब अपने को चुपचाप उसके पीछे चलते हुए पाया, तब दिल में एक अजीब झोल महसूस हो रहा था। दिमाग के भीतर सुकड़न सी पड़ गई थी। पतलून भी ढीला ढाला लग रहा था, कमीज के कॉलर भी उल्टे सीधे रहे होंगे, बाल अनसंवरे भी थे, पैरों की किस्म किसी तरह आगे ढकेले जा रहा था। लेकिन यह सिर्फ दोपहर के गर्म तीरों के कारण था या श्यामला के कारण, यह कहना बहुत मुश्किल था। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और दिलासा देती हुई आवाज़ में कहा, स्कूल का मैदान ज़्यादा दूर नहीं है। वह मेरे आगे आगे चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसके पैरों और तलवों के पीछे पिछले हिस्से की तरफ ही था। उसकी टांग जो विवाइयाँ भरी और धूल भरी थी, आगे बढ़ने में उचकती हुई चप्पल पर चटचटाती थी। जाहिर था कि ये पैर धूल भरी सड़कों पर घूमने के आदि हैं। यह ख्याल आते ही उसी ख्याल से लगे हुए न मालूम किन धागों से होकर मैं श्यामला से खुद को कुछ कम कुछ हीन पाने लगा, और इसकी ग्लानी से उबरने के लिए मैं उस चलती हुई आकृति के साथ उसके बराबर हो लिया। वह कहने लगी, याद है शाम के बैठक है, अभी चलकर न देखते तो कब देखते, और सब के सामने साबित हो जाता कि तुम खुद कुछ करते नहीं और सिर्फ जबान की कैंची चलती है। अब श्यामला को कौन बताए कि न मैं इस भरी दोपहर में स्कूल का मैदान देखने जाता और न ही शाम की बैठक में ही। संभव था कि कोरम पूरा न होने के कारण बैठक ही स्थगित हो जाती, लेकिन श्यामला को यह कौन बताए कि हमारे आलस्य में भी एक छुपी हुई जानी अनजानी योजना रहती है। वर्तमान सुचालन का दायित्व जिन पर है, वे खुद संचालन मंडल की बैठक नहीं होने देना चाहते। अगर श्यामला हमसे कहूँ तो पूछेगी क्यों, फिर भी मैं जवाब दूंगा। मैं उसकी आंखों से गिरना नहीं चाहता, उसकी नज़र में और
और चढ़ाना चाहता हूँ। प्रेमी जो हूँ अपने व्यक्तित्व का सुंदरतम चित्र उपस्थित करने की लालसा भी तो रहती है। वैसे भी धूप इतनी तेज थी कि बात करने या बात बढ़ाने की तबीयत नहीं हो रही थी। मेरी आंखें सामने के पीपल के पेड़ की तरफ गई, जिसकी एक डाल तालाब के ऊपर बहुत ऊंचाई पर दूर तक चली गई थी। उसके सिरे पर एक बड़ा सा भूरा पक्षी बैठा हुआ था। उसे मैंने चील समझा। लगता था कि वह मछलियों के शिकार के लिए ताक लगा बैठा है, लेकिन उसकी शाखा बिल्कुल विरुद्ध दिशा में है, जो दूसरी डालें ऊंची होकर तिरछी और बाकी टेढ़ी हो गई है। उन पर झुंड के झुंड कौवे कांव कांव कर रहे हैं, मानो चील की शिकायत कर रहे हों, और उचक उचक कर फुदक फुदक कर मछली की ताक में बैठे उस पक्षी के विरुद्ध प्रचार किए जा रहे हों। कि इतने में मुझे उसी मैदानी आसमानी चमकीले खुले खुलेपन में एकाएक सामने दिखाई देता है। सांवले नाटे कद पर भगवे रंग की खद्दर का बंडी नुमा कुर्ता, लगभग चौरस मोटा चेहरा, जिसके दाहिने गाल पर एक बड़ा सा मस्सा है और उस मस्से में बारीक बाल निकले हुए हैं। जी धस जाता है, और उस सूरत को देखकर, वह मेरा नेता है, संस्था का सर्वे सर्वा है। उसकी ख्याली तस्वीर देखते ही मुझे अचानक दूसरे नेताओं की और सचिवालय के उस अंधेरे गलियारों की याद आती है, जहां मैंने इस नाटे मोटे भगवे खद्दर कुर्ते वाले को पहले पहले देखा था। उन अंधेरे गलियारों में से कई बार गुजरा हूं, और वहां किसी मोड़ पर किसी कोने में इकट्ठा हुए ऐसी ही संस्थाओं के संचालकों के उतरे हुए चेहरे को देखा है। इसके बावजूद श्रेष्ठ पोशाक और अप टू डेट भेस के समलाया हुआ गर्व, बेबस गंभीरता, अधीर उदासी और थकान उनके व्यक्तित्व पर खास सी मिलती है। क्यों? इसलिए कि माली साल की आखिरी तारीख को अब सिर्फ 2 या 3 दिन बच गए हैं। सरकारी ग्रांट अभी मंजूरी नहीं हो पा रही है, कागजात अभी वित्त विभाग में भी अटके पड़े हैं। ऑफिसों के बाहर गलियारों के दूर किसी कोने में पेशाब घर के पास या होटलों के कोनों में क्लर्कों की मुठ्ठियाँ गर्म की जा रही हैं, ताकि ग्रांट मंजूर हो और जल्दी मिल जाए। ऐसी ही किसी जगह पर मैंने इस भगवे खद्दर कुर्ते वाले को जोर जोर से अंग्रेजी बोलते हुए देखा था, और तभी मैंने उसके तेज मिजाज और फितरती दिमाग का अंदाज लगाया था। इधर भरी दोपहर में श्यामला का पार्श्व संगीत चल रहा है, मैं उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाता, लेकिन न मालूम कैसे मेरा मन उसकी बातों में कुछ संकेत ग्रहण कर अपनी ही रास्तों पर चलता रहता है। इसी बीच उसके एक वाक्य में चौंक पड़ा, इससे अच्छा कि मुझे इस्तीफा दे दो, अगर काम नहीं कर सकते तो गद्दी क्यों अड़ा रखी है। इसी बात को कई बार मैंने अपने से भी पूछा था, लेकिन आज उसके मुंह से ठीक उसी बात को सुनकर मुझे धक्का सा लगा और मेरा मन कहाँ का कहाँ चला गया। एक दिन की बात, मेरा सजा हुआ कमरा, चाय की चुस्कियाँ, कहकहें, एक पीले रंग के तिकोने चेहरे वाला मस्खरा उलझलुल शख्स, बगैर यह सोचे कि जिसकी वह निंदा कर रहा है वह मेरा कृपालु मित्र और सहायक है, वह शख्स बात बढ़ाता जा रहा है। मैं स्तब्ध किंतु कान सुन रहे हैं, हारे हुए आदमी जैसे मेरी सूरत और मैं। वह कहता जा रहा है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहाँ है? यह है तो ये है, देखिए, क्लर्क कहता है, रजिस्ट्रार बताता है, सब कहते हैं 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 ये हैं, लेकिन कहाँ हैं? ये तो सब लिखित रूप में हैं, वस्तु रूप में कहाँ हैं? वे खरीदे ही नहीं गए? झूठी रसीद लिखने का कमीशन विक्रेता को, शेष रकम जेब में, सरकार की पूरी रकम वसूल, किसी खास जांच के एन मौके पर किसी दूसरे शहर की संस्था से उधार लेकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र हाजिर, यह चीज़ें मौजूद हैं, आइए देख जाइए। जी हाँ, ये तो सामने है, लेकिन जाँच खत्म होने पर सब गायब, सब अर्थधन, कैसा जादू है? खर्चे का आंकड़ा खूब फुला कर रखिए, सरकार के पास कागजात भेज दीजिए, खास मौकों पर ऑफिसों के धुंधले गलियारों और होटलों के कोनों में मुठियां गर्म कीजिए, सरकारी ग्रांट मंजूर और उसका न जाने कितना हिस्सा बड़े ही तरीकों से संचालकों की जेब में। जी, भरी दोपहर में मैं आगे बढ़ा जा रहा हूँ, कानों में ये आवाज़ें गूंजती जा रही है, मैं व्याकुल होता हूँ कि श्यामला का पार्श्व संगीत चल रहा है, मुझे ज़बरदस्त प्यास लगती है, पानी पानी। कि इतने में एकाएक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के ऊंचे रोमन स्तंभों वाली इमारत सामने आ जाती है, और तीसरा पहर, हल्की धूप, इमारत की पत्थर सीढ़ियाँ, लंबी मूर्तियाँ, सीढ़ियों से लगकर अभरक मिली लाल मिट्टी के चमचमाते रास्ते पर सुंदर काली सेवरलेट, भगवे खद्दर कुर्ते वाली सेवरलेट, जिसके जरा पीछे मैं खड़ा हूँ और देख रहा हूँ, यूं ही
कार का नंबर कि इतने में उसके चिकने काले हिस्से में जो आईने से चमकदार है सूरत दिखाई देती है। भयानक है वह सूरत, सारे अनुपात बिगड़ गए हैं। नाक डेढ़ गंज लंबी और कितनी मोटी हो गई है, चेहरा बेहद लंबा और सुकुड़ गया है, आंखें खड्डेदार, कान निदारद, भूत जैसा अप्राकृतिक रूप। मैं अपने चेहरे की उस विद्रूपता को मुग्ध भाव से, कुतूहल से और आश्चर्य से देख रहा हूँ एकदम कि इतने में मैं दो कदम एक और हट जाता हूँ और पाता हूँ कि मोटर के उस काले चमकदार आईने में मेरे गाल, ठुड्डी, नाम, कान सब चौड़े हो गए, एकदम चौड़े, लंबाई लगभग नदारद। मैं देखता ही रहता हूँ कि इतने में दिल के किसी कोने में कई अंधियारे गटर एकदम फूट निकलती है। वह गटर है आत्मलोचन, दुख और ग्लानि की, और सहसा मुँह से हाय निकल पड़ती है। उस भगवे खद्दर कुर्ते वाले से मेरा छुटकारा कब होगा, कब होगा? और तब लगता है कि इस सारे जाल में, बुराई की इस अनेक चक्रों वाली दैत्याकार मशीन में न जाने कब से मैं फंसा पड़ा हूँ। पैर भिंज गए हैं, पसलियाँ चूर हो गई हैं, चीख निकल नहीं पाती, आवाज़ हलक में फंस कर रह गई है कि इसी बीच अचानक एक नज़ारा दिखाई देता है। रोमन स्तंभों वाली विश्वविद्यालय की पुस्तकालय की ऊंची लंबी मोतियों सीढ़ियों पर उतर रही है एक आत्मविश्वासपूर्ण गौरवमयी नारी मूर्ति। वह किरणी मुस्कान मेरी और फेंक सी दिखाई देती है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि उसका स्वागत कर सकूँ। मैं बदहवास हो उठता हूँ। वह धीमे धीमे मेरे पास आती है, अभ्यर्थनापूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहती है, पढ़ी है आपने यह पुस्तक? काफी जिल्द पर सुनहले रोमन अक्षरों में लिखा है, आई विल नॉट रेस्ट। मैं साफ झूठ बोल जाता हूँ, हाँ पढ़ी है बहुत पहले, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मेरे चेहरे पर से तेलियाँ पसीना निकल रहा है। मैं बार बार अपना मुँह पोंछता हूँ रुमाल से, बालों के नीचे ललाट, हाँ ललाट यह शब्द मुझे अच्छा लगता, को रगड़ कर साफ करता हूँ और फिर दूर पर एक पेड़ के नीचे इधर आते हुए भगवे खद्दर कुर्ते की आकृति को देखकर श्यामला से कहता हूँ, अच्छा मैं जरा उधर जा रहा हूँ, फिर भेंट होगी। और सभ्यता के तकाजे से मैं उसके लिए नमस्कार के रूप में मुस्कराने की चेष्टा करता हूँ। पेड़ अजीब पेड़ है, यहाँ रुका जा सकता है। बहुत पुराना पेड़ है जिसकी जड़ें उखड़ कर बीच से टूट गई हैं और साबित हैं कि उसके आसपास की मिट्टी खिसक गई है, इसलिए वे उभर कर ऐठी हुई सी लगती हैं। पेड़ क्या है, लगभग ठुंड है, उसकी शाखाएं काट डाली गई हैं, लेकिन कटी हुई बाहों वाली उस पेड़ में से नई डालें निकल कर हवा में खेल रही हैं और उन डालों में कोमल कोमल हरी हरी पत्तियां झालर सी दिखाई देती हैं। पेड़ के मोटे तने में जगह जगह ताज़ा गोंद निकल रहा है, गोंद की सांवली कत्थई गठाने मजे में देखी जा सकती है। अजीब पेड़ है, अजीब, शायद यह अच्छाई का पेड़ है, इसलिए कि एक दिन शाम की मोतियाँ गुलाबी आभा में मैंने एक युवक युवती को इस पेड़ के तले ऊँची उठी हुई उभरी हुई जड़ पर आराम से बैठा हुआ पाया था। संभवतः वे अपने अत्यंत आत्मीय क्षणों में डूबे हुए थे। मुझे देखकर युवक ने आदरपूर्वक नमस्कार किया, लड़की ने भी मुझे देखा और झेप गए। हल्के झटके से उसने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया, लेकिन उसकी झेपती हुई ललाई मेरी नज़रों से न बच सके। इस प्रेम मुग्ध को देखकर मैं भी एक विचित्र आनंद में डूब गया। उन्हें निरापद करने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ मैं वहां से 9:00-11:00 हो गया। यह पिछली गर्मियों की मनोहर सांझ की बात है, लेकिन आज इस भरी दोपहरी में श्यामला के साथ पल भर उस पेड़ के तले बैठने को मेरी भी तबीयत हुई। बहुत ही छोटी और भोली इच्छा है यह, लेकिन मुझे लगता है कि शायद श्यामला मेरे सुझाव को नहीं मानेगी। स्कूल मैदान पहुंचने की उसे जल्दी जो है, कहने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई, लेकिन दूसरे सर आप मेरे उस ओर बढ़ने लगे, मेरे पैर उस ओर बढ़ने लगे और ठीक उसी जगह में भी जाकर बैठ गया जहां एक साल पहले वह युग्म बैठा था। देखता क्या हूँ कि श्यामला भी आकर बैठ गई। तब वह कह रही थी, सचमुच बड़ी गर्म दोपहर है, सामने मैदानी मैदान है, भूरे मटमैले उन पर सिरस और सीसम के छायादार विराम चिन्ह खड़े हैं। मैं लुब्ध और मुग्ध होकर उनकी घनी गहरी छाएं देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरा यह पेड़
यह अच्छाई का पेड़ छाया प्रदान नहीं कर सकता, आश्रय प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह जगह जगह काटा गया है। वह तो कटी शाखाओं को, दूरियां और अंतरालों में केवल तीव्र और कष्टप्रद प्रकाश को ही मार्ग दे सकता है, लेकिन मैदानों के इस चिलचिलाते अपार विस्तार में एक पेड़ के नीचे अकेले पन में श्यामला के साथ रहने की यह जो मेरी स्थिति है, उसका अचानक मुझे गहरा बोध हुआ। लगा कि श्यामला मेरी है और वह भी इसी भांति चिलमिलाते गर्म तत्वों से बनी हुई नारी मूर्ति है। गर्म बफती हुई मिट्टी सा चिलमिलाता हुआ उसमें अपनापन है। तो क्या आज ही अगली अनगिनत गर्म दोपहरिया के पहले, आज ही अगले कदम उठाए जाने के पहले, इसी समय, हाँ इसी समय उसके सामने अपने दिल की गहरी छिपी हुई तहें और सतहें खोल कर रख दूँ कि जिससे आगे चलकर उसे गलत फहमी में रखने और उसे धोखे में रखने का अपराधी न बनूँ, कि इतने में मेरी आँखों के सामने मेरी उसी भगवे खद्दर कुर्ते वालों की तस्वीर चमक उठी। मैं व्याकुल हो गया और उससे छुटकारा चाहने लगा। तो फिर आत्मस्वीकार कैसे करूं, कहां से शुरू करूं? लेकिन क्या वह मेरी बातें समझ सकेगी? कितनी तनी हुई रस्सी पर वजन साधते हुए चलने का, हाँ और ना के बीच में रहकर जिंदगी से उलझनों में फंसने का तजुर्बा उसे कहां है? हटाओ, कौन कहे? लेकिन यह स्त्री शिक्षिता तो है, बहस भी तो करती है। बहस कर बातों का संबंध न उसके स्वार्थ से होता है न मेरे। उस समय हम लड़ भी तो सकते हैं और ऐसी लड़ाइयों में कोई स्वार्थ भी तो नहीं होता। सामने अपने दिल की सतहें खोलकर देने में न मुझे शर्म रही न मेरे सामने उसे, लेकिन वैसा करने से तकलीफ तो होती है, अजीब और पेचीदा घूमती घुमाती तकलीफ। और उस तकलीफ को टालने के लिए हम झूठ भी तो बोल देते हैं, सरासर झूठ, सफ़ेद झूठ, लेकिन झूठ किसे सच्चाई और गहरी हो जाती है, अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्राणवान, मानो वह हमारे लिए और सारी मनुष्यता के लिए विशेष सार रखती हो। ऐसी सतह पर हम भावुक हो जाते हैं और यह सतह अपने सारे निजीपन में बिल्कुल बेनिजी है, साथ ही मीठी भी। हाँ, उस स्तर की अपनी विचित्र पीड़ाएँ हैं, भयानक संताप है और इस अत्यंत आत्मीय किंतु निर्व्यक्ति स्तर पर हम एक हो जाते हैं और कभी कभी ठीक उसी स्तर पर बुरी तरह लड़ भी पड़ते हैं। श्यामला ने कहा, उस मैदान को समतल करने में कितना खर्च आएगा? 12,000। इसका अंदाज क्या है? 20,000। तो बैठक में जाकर समझा दोगे, यह बात दो बता दोगे कि कुल मिलाकर 12,000 से ज़्यादा नामुमकिन है? हाँ, इतना तो मैं कर दूंगा। उसका क्या मतलब? अब मैं उसे उतना का क्या मतलब बताऊँ? साफ है कि भगवे खद्दर कुर्ते वालों में से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। मैं उसके प्रति वफादार रहूँगा क्योंकि मैं उसका आदमी हूँ। भले ही वह बुरा हो, भ्रष्टाचारी हो, किंतु उसी के कारण ही मैं विश्वास योग्य माना गया हूँ। इसीलिए मैं कई महत्वपूर्ण कमेटियों का सदस्य हूँ। मैंने विरोध भाव से श्यामला की तरफ देखा, वह मेरा रुख देख कर समझ गई, कुछ कहीं नहीं बोली, लेकिन मानो मैंने उसकी आवाज़ सुन ली हो। श्यामला का चेहरा चार जनियों जैसा है, उस पर सांवली मोहक दीप्ति का आकर्षण है, किंतु उसकी आवाज़, हाँ आवाज़, वह इतनी सुरीली और मीठी है कि उसे अनसुना करना निहायत मुश्किल है। उस स्वर को सुनकर दुनिया की अच्छी बातें ही याद आ सकती हैं। पता नहीं कि किस तरह परेशान पेचीदगी मेरे चेहरे पर झलक उठी और जिसे देखकर उसने कहा, क्यों, क्या कहना चाहते हो? यह वाक्य मेरे लिए निर्णायक बन गया। फिर भी अवरोध शेष था, वह अपने जीवन का सारे सत्य, अपना गुप्त धन है, उसके गुप्त संघर्ष और उसका अपना एक गुप्त नाटक है, वह प्रकट करते नहीं बनता। फिर भी शायद है कि उसे प्रकट करने देने से उसका मूल्य बढ़ जाए, उसका कोई विशेष उपयोग हो सके। एक था पक्षी, वह नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था, उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे। श्यामला मेरे चेहरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगी। सब बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे, उसकी निगाहें भी बड़ी तेज थी, उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक भी मिल जाती। एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई बैलगाड़ी को देख लेता है, उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं। गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दो दिमके लो, एक पंखा दो, एक पंखा लो।
दो, एक पंख दो। उस नौजवान पक्षी को दीमकों का शौक था। वैसे तो उसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों को हवा में भी बहुत सी कीड़े तैरते हुए मिल जाते, जिन्हें खाकर वे अपनी भूख थोड़ी बहुत शांत कर लेते, लेकिन दीमकें सिर्फ ज़मीन पर न मिलती थीं, कभी कभी पेड़ों पर, ज़मीन से तने पर चढ़कर ऊंची डाल तक वे अपना मटियाला लंबा घर बना लेती, लेकिन वैसे कुछ ही पेड़ होते और वे सब एक जगह न मिलते। नौजवान पक्षी को लगा यह बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों के बोरों को भरकर बेच रहा है, वह अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ के एक डाल पर बैठ जाता है, दोनों का सौदा तय हो जाता है। अपनी चोट से एक पर को खींच कर तोड़ने में उसका तकलीफ भी होती है, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है। मुँह में बड़े स्वाद के साथ दो दीमकों दबा कर वह एक पक्षी पूर्ण हो जाता है। कहते कहते मैं थक गया, शायद सांस लेने के लिए, श्यामला ने पलकें झपकाई और कहा हूँ। अब उस पक्षी को गाड़ी वालों से दीमकें खरीदने और एक पर देने में बड़ी आसानी मालूम हुई। वह रोज़ तीसरे पर हर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को एक पंख देकर दो दीमकें खरीद लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने देख लिया, उसके समझाने को कोशिश की कि बेटे दीमके हमारी स्वाभाविक आहार नहीं है और उसके लिए अपने पंख तो हरगिज नहीं दिया जा सकते। लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े गर्व से अपने मुंह दूसरी ओर कर लिया और उसे ज़मीन पर उतर कर दीमके खाने की चट लग गई थी। अब उसे न तो दूर कीड़े अच्छे लगते थे, न फल, न अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। श्यामला अपनी फैली हुई आँखों से मुझे देख रही थी। उसकी ऊपर उठी हुई पलकें और भौंहें बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही थीं, लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता। उसके पंखों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। अब वह ऊंचाइयों पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था, न बहुत समय तक पंख के सहारे दे सकते थे। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों, गुंबदों और बुर्जों पर हाँपते हुए बैठ जाना पड़ता। उसके परिवार वाले और मित्र ऊंचाइयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वह बहुत छड़ जाता। फिर भी दीमक खाने का उसका शौक कम नहीं हुआ। दीमकों के लिए गाड़ी वाले को अपने पंख तक तोड़ तोड़ कर देता रहा। श्यामला गंभीर हो सुन रही थी। उसकी अब की बार उसने हूँ भी नहीं कहा। फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है, वह मूर्खों का काम है। उसकी हालत यह थी कि अब वह आसमान में उड़ ही नहीं सकता और वह सिर्फ एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ तक पहुंच पाता। धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी कम होती गई और एक समय वह आया जब वह बड़ी मुश्किल से एक पेड़ की डाल से लगी हुई दूसरी पेड़ की डाल पर चढ़कर फुदक कर पहुंचता, लेकिन दीमक खाने का शौक अभी भी नहीं छूटा। बीच बीच में गाड़ी वाला भुगता दे जाता, वह कहीं नज़र में ना आता। पक्षी उसके इंतजार में खुलता रहता है, लेकिन दीमकों का शौक जो उसे था, उसने सोचा मैं खुद दीमक के ढूंढूंगा। इसीलिए वह पेड़ पर उतर कर जमीन पर आ गया और घास के एक लहराते गुच्छ में सिमट कर बैठ गया। श्यामला मेरी ओर देखी जा रही थी, उसे अपेक्षा पूर्वक कहा हूँ। फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या हुआ, वह खूब मेहनत से जमीन से दीमकें चुन चुन कर खाने के बजाय उसे इकट्ठा करने लगा और अब उसके पास दीमकों का ढेर के ढेर हो गए। फिर एक दिन एकाएक वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई, उसने पुकार कर कहा गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पहचानी आवाज़ सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। तब पक्षी ने कहा देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली हैं। गाड़ी वाले को पक्षी की बात में समझ नहीं आई, उसने सिर्फ इतना कहा तो मैं क्या करूँ, ये मेरी दीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो, पक्षी ने जवाब दिया। गाड़ी वाला ठठा कर हंस पड़ा। उसने कहा बेवकूफ, मैं दीमकों के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर जोर दिया था। श्यामला ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा फिर गाड़ी वाला चला गया, पक्षी छटपटा कर रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुँह से उसे दबा कर चली गई। तब उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बन रहा था। श्यामला ध्यान से मुझे देखी जा रही थी और उसकी एकटक निगाहों से बचने के लिए मेरी आंखें तालाब की सिरहती कांपती चिलकती चमचमाती लहरों पर टिकी हुई थी। कहानी कह चुकने के बाद मुझे एक जबरदस्त झटका लगा, एक भयानक प्रतिक्रिया। कोल तार जैसी काली, गंधक जैसी पीली नारंगी, नहीं, मुझ में अभी बहुत कुछ शेष है, बहुत कुछ। मैं उस पक्षी जैसा नहीं मरूंगा, मैं अब भी उभर सकता हूँ, रोग अभी असाध्य नहीं हुआ है। ठाट से रहने के चक्कर में बने हुए बुराई के चक्कर तोड़े जा सकते हैं, प्राण शक्ति शेष है, शेष। तुरंत ही लगा कि श्यामला के सामने फिजूल अपना रहस्य खोल दिया, व्यर्थ ही आत्मस्वीकार कर डाला। कोई भी व्यक्ति इतना परम प्रिय नहीं हो सकता कि भीतर को
का नंगा बालदार रिच्छ से उसे बताया गया। मैं असीम दुख के खारे मृतक के सागर में डूब गया। श्यामला अपनी जगह से धीरे से उठी और साड़ी का पल्ला ठीक किया, उसकी सलवटें बराबर जमाई, बालों के पर से हाथ फेरा और फिर अंग्रेजी में कहा, सुंदर कथा है, बहुत सुंदर। फिर वह छड़भर खोई सी खड़ी रही और फिर बोली, तुमने कहाँ पढ़ी? मैं अपने ही सुनने में खोया हुआ था। अब उसकी सुनने के बीच में से मैंने कहा, पता नहीं किसी ने सुनाई और मैंने कहीं पढ़ी। और वह श्यामला अचानक मेरे सामने आ गई और कुछ कहना चाहने लगी, मानो उस कहानी में उसकी किसी बात की ताईद होती हो। उसके चेहरे पर धूप पड़ी हुई थी, मुखमंडल सुंदर और प्रदीप्त दिखाई दे रहा था कि इसी बीच हमारी आंखें सामने के रास्ते पर जम गई। घुटनों तक मैली धोती और उसकी काली सफ़ेद या लाल बंडी पहने कुछ देहाती भाई समूह में चले आ रहे थे। एक के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था जिसे वह अपने आगे सामने किए हुए था। उस डंडे पर एक लंबा मरा हुआ सांप झूल रहा था, कला भुजंग, जिसके पेट की हल्की सफ़ेदी की झलक रही थी। श्यामला ने देखते ही पूछा, कौन सा सांप है यह? वह ग्रामीण मुख छत्तीसगढ़ी लहजे में चिल्लाया, करेट है भाई, करेट। श्यामला के मुंह से निकल पड़ा, ओफ, करेट तो बड़ा ही जहरीला सांप होता है। फिर मेरी ओर देखकर कहा, नाक की तो दवा भी निकाली है, करेट की तो कोई दवा ही नहीं है। अच्छा किया, मार डाला, जहाँ सांप देखो मार डालो, फिर वह पनियल सांप ही क्यों ना हो। और फिर न जाने क्यों मेरे मन में उसका यह वाक्य गूंज उठा, जहाँ सांप देखो मार डालो। और ये शब्द मेरे मन में गूंजते ही चले गए कि इसी बीच रजिस्ट्रार ने चढ़े हुए आंकड़ों की एक लंबी मिजान मेरे सामने झुलझ उठी और गलियारों के अंधेरे कोनों में गर्म होने वाली मुट्ठियों का चोर हाथ। श्यामला ने पलट कर कहा, तुम्हारे कमरे में भी तो सांप घुस आया है, कहाँ से आया था वह? फिर उसने खुद ही जवाब दे दिया, हाँ वह पास की खिड़की से आया होगा। खिड़की की बात सुनते ही मेरे सामने बाहर की कांटेदार झाड़ियाँ, बेत की झाड़ियाँ आ गई जिसे जंगली बेल ने लपेट रखा था। मेरे खुद के तीखे कांटों के बावजूद क्या श्यामला मुझसे इसी तरह लपेट सकेगी? बड़ा ही रोमांटिक ख्याल है, लेकिन कितना भयानक, क्योंकि श्यामला के साथ अगर मुझे ज़िंदगी की बसर करनी है तो न मालूम कितने ही भगवे खद्दर को तरने वाले से मुझे लड़ना पड़ेगा। जी कड़ा करने लड़ाइयाँ मोल लेनी पड़ेगी और अपनी आमदनी के जरिए ख़त्म कर देने होंगे। श्यामला का क्या है, वह तो एक गांधीवादी कार्यकर्ताओं की लड़की है, आदिवासियों के उस कुल्हाड़ी जैसी जो जंगल में अपने बेईमान और बेवफा साथी का सिर धड़ से अलग कर देती है। बारीक बेईमानियों का सूफियाना अंदाज उसमें कहां, किंतु फिर भी आदिवासियों जैसे उस अमृषित आदर्शवाद में मुझे आत्मा का गौरव दिखाई देता है, मनुष्य की महिमा दिखाई देती है। पैने तर्क की अपनी अंतिम प्रभावोत्पादक परिणीति का उल्लास दिखाई देता है और ये सब बातें मेरे हृदय का स्पर्श कर जाती हैं। और तो अब मैं इसके लिए क्या करूं? और सब मुझे सज्जा युक्त भद्रता के मनोहर वातावरण वाला अपना कमरा याद आता है, अपना अकेला धुंधला कमरा, उसके एकांत में प्रत्यावर्तित और पुनः प्रत्यावर्तित प्रकाश, कोमल वातावरण में मूल रश्मियाँ और उसके उद्गम स्रोतों पर सोचते रहना, ख्यालों की लहरों में बहते रहना, कितना सरल, सुंदर और भद्रतापूर्ण है। उसने न कभी गर्मी लगती है, न पसीना आता है, न कभी कपड़े मैले होते हैं, किंतु प्रकाश के उद्गम के सामने रहना, उसका सामना करना, उसकी चिलचिलाती दोपहर में रास्ता नापते रहना और धूल फांकते रहना कितना त्रासदायक है। पसीने से तरबदर कपड़े इस तरह चिपचिपाते हैं और इस कदर गंदे मालूम होते हैं कि लगता है कि अगर कोई इस हालत में हमें देख ले तो वह बेशक हमें निचले दर्जे का आदमी समझेगा। सजे हुए टेबल पर रखे कीमती फाउंटेन पेन जैसे नीरव शब्दांकन आदि हमारे व्यक्तित्व जो बहुत ही बड़े ही खुशनुमा मालूम होते हैं, कितनी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण जब वे आंगन में और घर बाहर चलती हुई झाड़ू जैसे काम करने वाले दिखाई दें, तो इस हालत में यदि सड़क छाप समझ जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन मैं अब ऐसी कामों में की शर्म नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ मेरा हृदय है वहीं मेरा भाग्य है। तो ये थी कहानी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की कहानियाँ हम नए नए नोटिफिकेशन के माध्यम से दे सकें। हमारा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।